हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अतर हाजिर हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है आंवला, जिसे एक सुपर फूड की कैटेगरी में आता है ये, और हमारे भारतवर्ष में बहुत ही अधिक संख्या में ये पाया जाता है। ये आंवला जो होता है, सबसे पहले मैं इसका आपको मिजाज बताता हूँ। इसका जो आंवले का मिजाज होता है वो सर्द और खुश्क होता है, ठीक है। और इसका जो ग्लाइसमिक इंडेक्स होता है वो 15 होता है, 15 होता है। तो जो इसके डायबिटीज वाले पेशेंट हैं, आंवले को आराम से खा सकते हैं। ब्लड प्रेशर वाले मरीज आराम से खा सकते हैं, और आंवले को सभी लोग आराम से खा सकते हैं, ठीक है। आंवले के अंदर लगभग 81.2% वाटर होता है। इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा के अंदर जो है फाइबर होते हैं, और बहुत कम मात्रा के अंदर इसमें फैट और प्रोटीन वगैरह होता है। इसमें देखिए, जो आंवला होता है इसमें विटामिन सी तो बहुत ही अधिक संख्या में होता है, इसके अलावा विटामिन ए भी होता है। एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर बहुत ही अधिक मात्रा में होते हैं। इसके अलावा इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, है ना, मैग्नीशियम, जिंक, ये सारे जो है पोषक तत्व और ये मिनरल्स इसके अंदर होते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा विटामिन सी जो जिस फल में होता है उस फल का नाम है आंवला, और सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट भी इसी के अंदर होते हैं। तो देखिए, आंवला जो होता है ये काबिज होता है। काबिज का मतलब ये होता है जिन लोगों को कब्ज करने वाला, जिन लोगों को ज्यादा दस्त आते हैं, पेट खराब रहता है, पेचिश आती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, तो क्योंकि इसकी जो है देखिए तासीर ठंडी होती है, तो ये ऐसे मरीजों के लिए बहुत ही फायदा करता है। देखिए, ये मुसक्किन है। मुसक्किन का मतलब होता है ये सुकून देने वाला होता है। जब आप जो है आंवला खाते हैं, आपके दिल दिमाग को सुकून मिलता है ना। ये मुफर्रे होता है, मतलब फरहत देने वाला, खुशी देने वाला। जब आंवला आप खाते हैं तो आपका मूड जो है वो फ्रेश रहता है। और ये मुकव्वी होता है, ये मुकव्वी कल्ब होता है, ये मुकव्वी जो है दिल दिमाग भी होता है। तो जब आंवला खाते हैं तो आपको ताकत मिलती है, आपके दिल को भी ताकत मिलती है, आपको आंखों की भी ताकत मिलती है। ये जो है आंवला खाने से क्या होता है, ये आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत मजबूत हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत ही अधिक होता है। देखिए, आंवला खाने से सबसे ज्यादा जो बेनिफिट मिलता है वो आपको आपकी इम्यूनिटी पर पड़ता है। आंवले से जो है इसके अंदर विटामिन सी बहुत अधिक संख्या में होता है, तो आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़िया रहती है, आप बीमार कम पड़ते हैं आंवला खाने से। आंवला खाने से डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है बॉडी का। आंवला खाने से, क्योंकि अंदर इसके अंदर विटामिन सी होता है, तो बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा फैट होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो सब क्लियर हो जाता है, सब छट जाता है। आंवला खाने से आपका वेट लॉस भी होता है, मतलब जो अधिक संख्या में वेट होता है वो कम हो जाता है। आंवला खाने से आपके बाल जो है बहुत अच्छे हो जाते हैं, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी आंखों को बहुत ताकत मिलती है, आपके जितने भी वाइटल ऑर्गन है आंवला खाने से उनके अंदर बहुत एनर्जी आ जाती है। आंवला हार्ट फ्रेंडली भी है, क्योंकि इसमें पोटेशियम अधिक होता है, तो ब्लड प्रेशर वाले मरीजों के लिए भी ये फ्रेंडली है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। ये डायबिटीज वालों के लिए भी फ्रेंडली है। ओवरऑल ये आपकी जो है पूरे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब जिन लोगों को ज़्यादा लैट्रीन आती है या दस्त आते हैं तो उनके लिए बहुत बढ़िया होता है, वो पेट उनका ठीक हो जाता है। किसी का दिल कमज़ोर है तो वो दिल भी जो है कमज़ोरी को दूर करता है, आंखों की कमज़ोरी को भी दूर करता है। तो देखिए, आंवले के कितने फ़ायदे हैं, इसीलिए इसको सुपर फूड कहा गया है। आंवला खाने से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, जैसे मैंने बताया आपको। अब आंवले को इस्तेमाल कैसे करना है, देखिए आंवला बहुत ही कई तरीके से इस्तेमाल होता है। एक तो त्रिफला चूर्ण आता है, तो उसमें देखिए आंवला होता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो चमन प्राश आता है, जो इसका जो बेस होता है वो भी आंवला होता है, इसके जरिए भी आप आंवला पहुंचा सकते हैं बॉडी में।
आंवले का मुरब्बा आता है, उसके जरिए भी आपको आंवला जो है मिल जाएगा। आंवले की चटनी बना के आप खा लीजिए, उससे भी आंवला आपको मिल जाएगा। आंवले का जो है ऐसी फल जो है उसको धो के काट के और कच्चे फलों को सुबह के टाइम में खाएंगे तो फिर जो है बहुत ज्यादा विटामिन सी आपको मिलेगा, और उससे आपके जो गम्स हैं और दांत हैं और हड्डी हैं इनको भी बहुत फायदा होता है आंवला खाने से। तो चाहे आप आंवले को, आजकल अक्टूबर का महीना चल रहा है और मैं देख रहा हूँ कि बाजार में आंवले मिल रहे हैं, तो चाहे आंवले को आप कच्चे आंवले को सुबह को खाएं, चाहे आंवले का मुरब्बा खाएं, चाहे आंवले का अचार बना के खाएं, चाहे आंवले की चटनी बना के खाएं, चाहे आंवले का चूरन इस्तेमाल करें, तिरफला चूरन जिसके नाम से आता है। और देखिए आंवले का जो मिजाज क्योंकि ठंडा होता है इसलिए इसको सुबह में ज़्यादा इस्तेमाल करें, दोपहर में इस्तेमाल करें और रात में इसका इस्तेमाल कम करें, है ना। और जिन लोगों को नज़ला जुकाम होता है तो डॉक्टर देखिए विटामिन सी की गोली देते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। और जिन लोगों को बहुत छींके वगैरह आती है तो फिर अपने डॉक्टर साहब से भी कंसल्ट करके इसको लें। उम्मीद है आज आपने आंवले के बारे में पूरी जानकारी ली होगी, मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ मिला होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।